नमस्कार, मैं टीकम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया है। आखिर क्या वजह थी कि उन्हें बीजेपी छोड़ टीएमसी को अपनाने की नौबत आ गई, इसे लेकर हमारे संवाददाता लखन भारती ने बाबुल सुप्रियो से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा बाबुल सुप्रियो ने। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो, जिन्होंने हाल ही में भाजपा से नाता तोड़कर तृणमूल में शामिल हो, आखिर क्या वजह है कि वो तृणमूल में शामिल हुए? सिंपल सा वजह है कि मैंने जितना कठिनाई के साथ मैंने राजनीति छोड़ा था, ज़रूर दीदी ने, अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस ने मेरे सामने कुछ ऐसे रास्ते दिखाए, कुछ ऐसे चैलेंजिंग मोटिवेटिंग कुछ राहें दिखाएं, जिसके वजह से मुझे बहुत सारी कटु शब्द, बहुत सारी चीज़ें सुनना पड़ेगा ये डिसीजन को बदलने के लिए। ये जानते हुए भी मैं ये डिसीजन को बदला और मैं आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि क्या, कौन सी दिशा में मैं किस तरीके का काम करने वाला हूँ, क्या करूँगा। और दूसरा सवाल ये है, तृणमूल आंदोलन, ये गाना आपका बहुत विख्यात हुआ था और आपने बीजेपी के लिए गया था तृणमूल के खिलाफ और आज आप तृणमूल में आ गए। बीजेपी का कहना यह है कि ये गाना को वो भुनाएंगे, हर कार्यक्रम में भुनाएंगे, क्योंकि गाना गाना है। मैंने एक हिट गाना जो है वो बीजेपी को उपहार दिया है, मैं तो एक गायक हूँ ना, वो गाना हमने उपहार दिया है तो वो उससे बजाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं दूसरा गाना बना रहा हूँ। मैं जब जिस जो काम करता हूँ मैं पूरे जो है पूरे लगन के साथ उसे करता हूँ और मेरे ख्याल से अपने अपने बारे में या अपने पक्ष में कोई नई बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। 2014 से मैं जो करते आया हूँ, 2019 ने मैं आसनसोल ने हमें 3-1 वोट से जिताया, तो काम के लिए मुझे वोट दिया था ना, तो आने वाले दिनों में भी मैं जिस कारण से मैं तृणमूल में आया हूँ उसी जो काम मेरे सामने रखा गया है, जो उसी का पूरा मर्यादा देने की मैं जीत और कोशिश करूँगा, ये तय कहूँगा। महोदय, ये मेरा आखिरी सवाल, आसनसोल से आप चुनाव जीते थे, आसनसोल में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मैं हिंदी तो बोल सकता हूँ ना, आई कैन टॉक हिंदी, आई कैन वॉक हिंदी, एक नारी था तो मैं हिंदी, हिंदी इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, ममता बनर्जी ने हिंदी भाषियों को कहा था बाहरी लोग, हाँ आप उसे क्या मानते हैं? आप खुश हैं ये सवाल करके? मैं बहुत खुश हूँ, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। बंगाल में जो रहते हैं, मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल पार्टी का यही काम है। दीदी ने मेरे ख्याल से बाहरी लोग उन्हीं लोगों को कहा था जो बाहर से आके बंगाल के राजनीति में प्रभाव जताने की कोशिश किया था। बंगाल में जो ग्रासरूट लेवल में जो काम करते आए हैं, जो 40 साल से बीजेपी कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, उनकी सोच को, उनकी उनका जो अनुभव है उसको मर्यादा नहीं देके, उसको उसकी कोई कीमत, उसी की कीमत को इनकार करके जो बाहर के लोग आके बंगाल के पॉलिटिक्स में हावी होने की कोशिश की थी, उसके बारे में उन्होंने ये टिप्पणी की थी। और जो है आप जब टीम बदल करते हैं, पहले बीजेपी के लिए मैं दूसरे टीम को गोल दिया, आज टीएमसी के पक्ष में मैं दूसरे टीम को गोल दूंगा, खेला होवे, ये तो है ही स्लोगन, तो खेलेंगे जब तो गोल भी करेंगे, आप क्यों चिंतित रह रहे। लेकिन मुझे एक बात बड़ा अच्छा लगा, आपने सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और आखिरी सवाल ये बोलने के बाद आपने सवाल किया, उससे मेरे को भी काफ़ी जो है क्या मैं कहूँ और क्या ना कहूँ इसके बारे में भी मुझे एक दिशा मिल गई, उसीलिए मैं बहुत ऊर्जा के साथ हंसमुख थकान की वजह से भी होने के बावजूद आपके सवालों का मैंने बहुत खुशी से जवाब दिया। आपके भारत मित्र में जितने भी मित्र मेरे हैं और जो शत्रु के पक्ष में भी है, उनको ये कहूँगा कि वो मुझे आशीर्वाद दे कि बीजेपी से भी एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिला है कि बाबुल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में मैं लोगों का काम करता रहूं, यही आपके सुनने वाले जो है वो ब्लेसिंग्स, वो विशेस मुझे दे, इतना ही चाहूँगा। ये मेरा आखिरी शब्द है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, बाबुल सुप्रियो ने अपनी मन की बात रखी है, वो भाजपा से तृणमूल में क्यों शामिल हुए वो पूरी तरह से विस्तृत रूप में बताया। कैमरामैन सुमत के साथ मैं लखन भारती, भारत मित्र लाइव। बाबुल सुप्रियो की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आदर्श और नीतियां अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने टीएमसी से नाता जोड़ना उचित समझा। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाबुल सुप्रियो टीएमसी में क्या कुछ नया करते हैं। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव।